faster. Why home care product? Amway Home के इतने सारे product की क्या जरूरत है? क्योंकि everybody loves a clean home. कौन नहीं साफ सुथरा घर चाहता है? क्योंकि घर ये स्थान है जो हमारा गर्व है. और साफ घर, सुरक्षित घर, खूबसूरत घर गौरवान्वित करता है. तो वन नीड्स टू मेंटेन इट एवरी डे. और हमारा घर क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, और हमारा घर जो है वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने वाला होना चाहिए. बिकॉज वी ऑल वांट आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स शुड टॉक अबाउट आवर हाउस, ताकि हम उन्हें प्राउडली अपने घर को दिखा सकें. कोई भी विजिटर आते हैं, पहली बार आते हैं और उन्हें आप अपना जानो घर दिखा रहे हैं, तो प्राउडली आप अपने घर को दिखा सकते हैं. और तभी मुमकिन है जब घर साफ सुथरा होगा. तो घर सभी के होते हैं और सभी के घरों के डिफरेंट क्लीनिंग नीड्स है. और याद रहे, क्लीन होम इज अ हैप्पी होम, क्लीन होम इज अ सेफर होम. तो यहाँ पे जानते हैं कि घर की साफ सफाई के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं. सभी को ऐसे तो पूरी दुनिया से पुरुष और महिलाएं अपने अपने काम से अपने अपने यू नो वर्क प्लेस पर निकल पड़ते हैं, ताकि अपने फैमिली को और अपने यू नो लाइफ को और बेटर से बेटर कर सके. इससे ना केवल पर्सनल वेलबींग दुरुस्त होता है, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन होता जाता है. तो जो गृहणियाँ हैं भारत में, खासकर बहुत सारी ऐसी गृहणियाँ हैं, और ये गृहणियाँ लगातार घर को मेंटेन करने के कार्य में लगी रहती हैं. उनका एक ही लक्ष्य होता है, घर के लोग सुरक्षित रहें, संतुष्ट रहें, और उन्हें बेहतर जीवन मिले, खुश रहें. तो ऐसे कंडीशन में अपने घर की देखभाल के लिए, घर की साफ सफाई के लिए जो भी उनका प्रयत्न होता है, ये कुल मिला करके सोसाइटी के एक बैकबोन की तरह ही होता है. टेक प्राइड इन होम यूजिंग दी एमवे होम केयर के प्रोडक्ट्स. तो हमारा जो घर होता है वो आज के समय में सबसे सुरक्षित स्थान होता है. मतलब ये कि आप कितना भी बाहर घूमें, कितना भी यू नो हॉलीडे ट्रिप इन्जॉय करें, कोई शादी फंक्शन में जाएं, कहीं भी जाएं, पर निश्चित तौर पे जब आप घर लौटते हैं तो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, सबसे अच्छा फील करते हैं. तो घर से जो भी लोग सुबह निकलते हैं और शाम में घर लौटते हैं, तो निश्चित तौर पे उन्हें काफ़ी सुरक्षित अनुभव होता है. तो हमारा घर सबसे हमारे लिए सुरक्षित स्थान है. तो आपको अगर याद हो तो कोविड के टाइम में सभी लोग अपने घरों में थे, लॉकडाउन के पीरियड में, और उस समय घर से बेहतर कोई भी स्थान नहीं था. आज भी हमारे घर से बेहतर कोई भी स्थान नहीं है, प्रोवाइडेड कि घर साफ सुथरा हो, हाइजीनिक हो, क्योंकि साफ घर ही सुरक्षित घर होता है, साफ घर ही एक तंदुरुस्त लोगों वाला घर होता है. तो एक बार घरों के डिफरेंट एरियाज में घूमते हैं और चल कर देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनकी सफाई को सही रखना ज़रूरी होता है. तो हमने पहले ही कहा है कि जिनके भी घर हैं, सभी घरों के अपने अपने सफाई की ज़रूरतें होती हैं, पर कहाँ पे ये सफाई की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों पर, यही हम जाकर देखने वाले हैं. तो सबसे पहले चलते हैं लिविंग रूम में. सो इज़ योर लिविंग रूम क्लीन? क्या लिविंग रूम क्लीन है? तो देखिए एक बार नज़र दौड़ाइए, अगर आप अपने लिविंग रूम में हैं या यू नो लिविंग रूम में जाकर देख सकते हैं, तो देखिए वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको सफाई की ज़रूरत होगी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यू नो चित्र लगाया हुआ है. सफाई करने के लिए फ्लोर भी है, टेबल भी है, वुडन चेस्ट भी है, और दूसरे भी आइटम है. अच्छा, इनकी सफाई तो चाहिए, पर ये जर्म फ्री भी होने चाहिए. तो सफाई तो कर लिया है, वेल एंड गुड. क्या आपने इन्हें सैनिटाइज किया है? नहीं किया तो ज़रूरत है. तो ये जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो टेबल, वुडन चेस्ट जिसकी मैंने बात की, या फ्लोर, या फिर ये जो यू नो जो लिनन वगैरह है, उनकी भी सफाई ज़रूरत है. अब यहाँ से बेडरूम में अगर पहुँचे तो बेडरूम में भी कई सारी चीज़ों की सफाई की सही से आवश्यकता होगी. जैसे कि ड्रॉयर, और आपने साफ़ किया है तो कभी ड्रॉयर को देखा, क्या वो साफ़ है? बेड जर्म फ्री है, इनको आपने डिसइनफेक्ट और सैनिटाइज किया हुआ है? तो यहाँ पे भी फ्लोर, यहाँ पे भी जो वॉशेबल वॉल है और डिफरेंट तरह की यू नो सफाई की ज़रूरतें हैं, उनको विंडो वगैरह जिसको सफाई की काफ़ी ज़रूरतें होती है, तो क्या ये ठीक प्रकार से साफ़ किए गए हैं? किचन में चले तो किचन में भी आपको और सफाई की खास ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो स्मोक स्टेन है या फिर जो फ्यूम है, इस तरह का पॉल्यूशन होता है,
जर्म्स के फैलने का ये स्थान भी बन जाता है। किचन से ही बहुत सारे जर्म्स, चूंकि नमी थोड़ा सा यू नो जो अलग तरह का इन्वायरमेंट होता है, तो उसे जर्म्स को पनपने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा सिंक का यहाँ पे, टैप्स का यहाँ पे, और किचन अप्लायंसेस का रेगुलरली यूज़ होता है, तो इनकी भी सफाई ज़रूरी है। तो अगर आप श्योर है वेल एंड गुड, अगर आपने सिंक, टैप, किचन अप्लायंसेस, फ्लोर और ये जो फूड रैक है, इन सबको अगर साफ कर लिया है, सैनिटाइज कर लिया है, दैट्स गुड। नहीं क्या, तो फिर आपने जरूर से ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब बात करते हैं वॉशरूम की, तो वॉशरूम में भी यहाँ पे कई सारी चीज़ें होंगी जिनकी सफाई की आवश्यकता होगी, चाहे वो टॉयलेट बॉल हो या बाथटब हो या दूसरे हार्ड सर्फेसेज हो, जिनको क्लीन के साथ साथ जम्प्स डीवी होना चाहिए। तो हैव यू डिसइंफेक्टेड एंड सैनिटाइज दीज थिंग, पर यहाँ पे लिस्ट कम नहीं हुआ है। और अब हम पहुँच रहे हैं, ये है बालकनी। तो बालकनी में भी रेलिंग, ये जो आयरन रेलिंग होता है और कुर्सियाँ हैं और ये जो फ्लोर है, ये जम्स फ्री हैं, क्या सैनिटाइज किए हुए हैं? तो अगर किए हुए हैं गुड, नहीं किए हुए हैं तो इनको सैनिटाइज की ज़रूरत है, पर कैसे? और यहीं पे आता है आपका एमडे हेरिटेज। तो 1959 में रिचरी बॉस और जेवन एंडल ने एक कंपनी की शुरुआत की विद द आइडिया ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जिसको सभी की ज़रूरत थी और आज भी है। और ये प्रोडक्ट इतने अच्छे थे कि इनको आसानी से इस्तेमाल करने के बावजूद भी शेयर करके सेल करना ईजियर था। तो एलयूसी की शुरुआत हुई, ये पहला फर्स्ट प्रोडक्ट है, मीन्स पहला प्रोडक्ट जो कि यू नो एमवे के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, पहला बायोडिग्रेडेबल था, जो कि आज पूरी दुनिया इसके बारे में बात करती है। यहाँ पे एक और चीज़ है जिसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है, जो कि बात हो रही है क्लीनर और सेफर होम। तो इंक्रीजिंग वाटर फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट का मतलब ये है कि ये जो 2010 का ये जो आंकड़ा निकला हुआ है, उसके अनुसार 80% जो दुनिया का पॉपुलेशन है वो ऐसे इलाकों में रहती है जहाँ पे पानी की किल्लत होती है। तो पानी की किल्लत क्यों होती है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, हमारे पास लिमिटेड सोर्स है और पानी का उपयोग बहुत सारी जगहों पर किया जाता है, जैसे कि भोजन पकाने में भी होगा, नहाने धोने में भी होगा, कपड़े धोने में भी होंगे, ठीक है, हर चीज़ों को साफ करने के लिए भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी होगा, ठीक है, तो प्लांटेशन के लिए भी होगा, तो बहुत जगह पानी का उपयोग होता है। तो एक तो हम ऐसे इलाकों में रहते हैं ज़्यादातर जहाँ पे पानी की कमी होती है, और पानी की कमी के कारण है ना, ये जो पानी की कमी है इसके कारण बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कष्टप्रद ज़िंदगी बितानी पड़ती है। तो अगर हम, और एक चीज़ और है कि 38% जो वाटर फुटप्रिंट है वो लॉन्ड्री प्रोसेस से आता है, मतलब जितना भी पानी अवेलेबल है पीने लायक साफ पानी, उसका 38% पानी जो है वो लॉन्ड्री प्रोसेस में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 60% केवल पानी बचा है, बाकी सब कामों के लिए, बाकी ढेर सारा बाकी पानी के साथ काम होना बाकी है। तो अगर हम इस लॉन्ड्री वर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के इस्तेमाल को कम कर दें तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा टू दी सोसाइटी। और इसीलिए कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे जो एमवे होम के प्रोडक्ट जो होते हैं वो कम पानी में भी साफ सफाई बेहतर सुनिश्चित करते हैं। खासकर जो लॉन्ड्री केयर के हमारे प्रोडक्ट हैं वो कम पानी में इस्तेमाल किए जाते हैं, एनर्जी की भी बचत करता है, वाटर की भी बचत करता है, और साथ साथ यू नो जो साफ सफाई होगी उन्नत होती है, जो हम देखेंगे आगे जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। फिलहाल एमवे होम के प्रोडक्ट में एक और चीज़ खास है, वो है बायोक्वेस्ट। तो ये जो लोगो है, यानी एमवे होम के प्रोडक्ट में ही ये लोगो दिखेगा, और इस लोगो का तात्पर्य है कि दो तरह की ज़रूरतों का ये ध्यान रखता है। पहला तो ये एक शानदार क्लीनिंग परफॉर्मेंस देता है, कॉन्सेंट्रेटेड है, बायोडिग्रेडेबल है और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, यानी कि ये स्किन फ्रेंडली, स्किन को टेस्ट किया हुआ है। और बायोक्वेस्ट फॉर्मूला का एक और मतलब है कि ये क्लीनिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ इन्वायरमेंटली सेंसिटिव है, यानी वातावरण का भी ख्याल रखता है, किसी प्रकार कोई भी जो पॉल्यूशन है वो बढ़ाने में काम नहीं आता। अब बात करते हैं एमवे होम, जो ये जो एमवे होम का ये जो ब्रांड है, हम क्या कहते हैं ये जो ब्रांड है, इसकी क्या खासियत है। तो 1959 में, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट एलओसी का जन्म हुआ था, एज यू ऑल नो। और होम केयर प्रोडक्ट्स वेयर द इंटीग्रल टू द सक्सेस ऑफ एमवे, जो भी एमवे का सक्सेस हुआ, बड़ी कंपनी बनी, उसमें इस इंटायर रेंज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि काफ़ी तेजी से ये प्रोडक्ट लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, इस्तेमाल किया गया। और दे आर द परफेक्ट प्रोडक्ट्स टू इंट्रोड्यूस प्रोस्पेक्ट टू एमवे बिजनेस। तो किसी को भी अगर
बिजनेस की शुरुआत करानी है या कस्टमर बनाना है तो ये प्रोडक्ट बेहतर होता है, जिससे कि शुरुआत में कस्टमर के अट्रैक्शन को गेन किया जाता है, उसके ट्रस्ट को गेन किया जाता है, और फिर हम और भी दूसरे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि वैल्यूबल है। तो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है, लोगों की ज़रूरत है। और कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे साफ़ सफाई की चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आती है, कोई भी ऐसा घर है जहाँ पे कोई भी ऐसा घर नहीं होता जहाँ पे साफ सफाई का की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सभी जगह पे ज़रूरत है, सभी जगह साफ सफाई हो रही है, सभी जगह कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं, तो क्यों ना होम केयर के प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए जाए, जो कि बेहतर है, शानदार है, बहुत अच्छा एक्शन प्रोवाइड करने वाले हैं, पानी की बचत करता है और साथ साथ किसी प्रकार का पॉल्यूशन भी एनवायरमेंट को नहीं देता। तो R&D जो टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका एक कंबाइन एक्सपीरियंस है 300 साल का, किसी का 20, किसी का 40, किसी का 50, तो 300 साल का कंज्यूमर प्रोडक्ट को डेवलप करने का उन्हें ये एक्सपीरियंस है, और 103 से भी ज़्यादा के इंटरनेशनल पेटेंट हैं। और अब हम यहाँ से एमवे होम के खासियत के बाद डिस्कस करेंगे हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट जो हमारे घरों में ज़रूर से होना चाहिए फॉर द पर्पस कि हमारा घर ना केवल खूबसूरत साफ सुथरा बल्कि सुरक्षित घर बना रहे। तो जब आप लिस्ट बनाएंगे घर के साफ सफाई की चीज़ों के लिए, और यस घर को सैनिटाइज रखने के लिए, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबसे बचाए रखने के लिए, तो 3 प्रोडक्ट का नाम सबसे पहले आएगा। मतलब ये कि सफाई के लिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पर ये 2 प्रोडक्ट जिसकी जरूरत सबसे पहले पड़ेगी पड़ेगी LOC और जूम कॉन्सेंट्रेट। और दूसरी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है सैनिटाइजेशन की, डिसइंफेक्ट की। तो परस्यू का भी हमारे घरों में मौजूद होना, उपयोग होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो टू एंश्योर आवर सेफ्टी एट होम वी कैन यूज परस्यू, LOC एंड जूम कॉन्सेंट्रेट। तो शुरुआत करते हैं परस्यू से। तो परस्यू डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है, और ये परस्यू डिसइंफेक्टेंट क्लीनर कई जगहों को सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल में आता है, जैसे कि टेबल, सेल्फ्स, डोर नॉब्स, हैंडल्स, रिमोट्स, बॉटल्स, कपबोर्ड, स्विच बोर्ड, टॉयलेट्स एक्सेट्रा, इन सभी जगहों पर यहाँ पे परसों की मदद से डिसइनफेक्ट किया जाता है। अच्छा, इसमें कुछ आइटम देख रहे हैं जिनको बार बार टच किया जाता है। सपोज कोई एक व्यक्ति जो रिमोट का इस्तेमाल कर रहा है या हैंडल नॉब का इस्तेमाल कर रहा है, उसके हाथों में जर्म्स था, जो बाहर से आया उसके हाथों में जर्म्स है, उसने उस सरफेस को छुआ, अब उसके सरफेस में जो वायरस था वो अब उस जगह पर भी इकट्ठा हो जाएगा जिसको उसने छुआ है, यानी कि रिमोट, यानी कि स्विच बोर्ड, यानी कि जो भी वाटर बॉटल है या फिर कुर्सियाँ हैं जिसको टच करके, हाथ से टच करके इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर ये वायरस होंगे। और ये बीमारी फैलने वाले वायरस अगर है या फैलने वाले हैं, तो अब उस जगह पर कोई भी टच करेगा, दूसरा कोई व्यक्ति, उससे भी ये वायरस मिल जाएगा। यानी पर्सन टू पर्सन ये वायरस फैलता गया, क्योंकि लोग बाहर से आकर ऐसी जगहों को लगातार टच करते हैं, चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और उस पर जर्म्स, बैक्टीरिया होते हैं, जिसको दूसरे कोई किसी को इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया उन्हें भी ट्रांसमिट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे इन जगहों को हम प्योरली डिसइंफेक्ट करेंगे, ड्यू टू वन एंड वेरी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और ये है एमवे परस्यू डिसइंफेक्टेंट क्लीनर। तो एमवे परस्यू डिसइंफेक्टेंट क्लीनर के फीचर्स और बेनिफिट क्या क्या है? तो ये एक वायरसाइड है, ये एक बैक्टेरियासाइड है, एक फंगासाइड है, और ये किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगी को किल करता है, जो कि बीमारी फैलाने वाले होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसको पानी में जब हम मिलाएंगे पूरी तरह से डाइल्यूट होगा, और फिर भी ये पूरी तरह से इफेक्टिव होगा। कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि बाजार में इस तरह के अगर डिसइंफेक्टेंट लेने जाए तो काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कंप्लीटली डिसइंफेक्ट करता है जब ये। Setting on, faster than ever. If I ever lose, setting on.